गुड इवनिंग टीचर। यस, गुड इवनिंग ऑल। पुट अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड इट्स इवनिंग गुड टीचर। इवनिंग। गुड इवनिंग। यस, आज मैं लेने वाली हूँ आपका हिंदी। ओके, सबने अटेंडेंस लिखी? यस टीचर। ओके ओके, तो जस्ट अ मिनट। ओके, तो हिंदी में आप लोग ने क्या क्या सीखा है? क्या क्या आता है आपको हिंदी में? मैंने कभी आपका लिया नहीं, इसलिए आई एम जस्ट आस्किंग, मैं जस्ट पूछ रही हूँ आपको। ये सब लोगों ने हिंदी में वेकेशंस में जो रीडिंग के क्लासेस हुए थे, हिंदी का पठन के क्लासेस हुए थे, वो अटेंड किए अपने? टीचर यस। टीचर ओके, तो उसमें हमने सीखा था हिंदी कैसे रीड करते हैं, लाइक स्वर व्यंजन से स्टार्ट किया था। उससे बाद हमने आ की मात्रा, ई की मात्रा वाले शब्द ऐसे स्टार्ट किए थे। ठीक है, सो उतना सबको तो रीडिंग थोड़ा बहुत तो आता है। ठीक है, सो वी विल गो मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स। आज हम हिंदी का कुछ ग्रामर पार्ट लेने वाले हैं, व्याकरण का पार्ट लेने वाले हैं। ठीक है, इज इट कन्वीनियंट टू ऑल? ठीक है, आप सब लोगों को आज हम हिंदी का ग्रामर व्याकरण का पार्ट लेने वाले हैं। जो लेट ज्वाइन हुए हैं, प्लीज पुट अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। ओके, यस। सो हिंदी ग्रामर, जैसे मराठी में व्याकरण होता है, वैसे हिंदी में भी व्याकरण होता है, अलग अलग होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सेम, मतलब शब्द का उच्चार उच्चारण अलग होता है, बट जो टाइप होता है, प्रकार होता है, दैट्स आर अ सेम इन मराठी एंड इन हिंदी ऑल्सो। ओके, इज इट क्लियर विथ यू ऑल? इज इट क्लियर? पुट अ मैसेज इन अ चैट बॉक्स। व्याकरण रहता है हिंदी में जो आज हम लेने वाले हैं। ठीक है, सो वो मराठी में जैसे रहता है, वैसे हिंदी में भी रहता है, सिर्फ हम उच्चारण अलग अलग होते हैं। जिसे हम उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो अलग अलग रहते हैं। ओके, रूल्स जो सूचना होती है, रूल्स होते हैं, वो देज आर सेम है ना, बोथ। ओके, सो आज व्याकरण में हम लेने वाले हैं। यस, गुड इवनिंग जो लेट ज्वाइन हुए हैं, गुड इवनिंग एवरीवन। यस, पुट अ मैसेज, पुट अटेंडेंस इन अ चैट बॉक्स। ओके, सो मैं शेयर स्क्रीन करने वाली हूँ। सो मैं शेयर स्क्रीन करके कुछ आपको फोटोज दिखानी है। तो वैसे हम उस फोटो में जो व्याकरण होगा, वो व्याकरण हम आज पढ़ने वाले हैं, देखने वाले। ठीक है, मराठी में हमने अभी लिया था, वो था एकवचन और अनेकवचन। मराठी में हमने किया है एकवचन और अनेकवचन। वैसे ही हिंदी में भी होता है एकवचन और अनेकवचन। माय शेयर स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल, प्लीज चेक एंड पुट अ मैसेज इन चैट बॉक्स। इट इज क्लियरली विजिबल? ओके, सबको शेयर स्क्रीन दिख रही है? ओके, नाउ वी स्टार्ट। सो पहले हम एक वचन और बहुवचन से शुरू करते हैं, अभी थोड़ा अच्छा दिखेगा सब। यस, एक वचन यानी कि एक कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई थिंग हो, कोई वस्तु हो,
वो एक की ही मात्रा में हो, एक से ज्यादा ना हो, उसे कहते हैं एकवचन। जो सिंगल हो, ऑब्जेक्ट, थिंग्स, व्हाटएवर इट इज, जो एक की मात्रा में हो, उससे ज्यादा ना हो, दैट इज एक वचन, उसे हम एक वचन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन किसे कहते हैं, यहाँ तक क्लियर है? जो भी वस्तु, थिंग, ऑब्जेक्ट, जो भी हो, वो एक की मात्रा में हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। ओके। और अनेक वचन, अनेक वचन, बहुवचन, अनेक वचन हम मराठी में बोलते हैं। There is no one. अनेक वचन हम मराठी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बहुवचन। हिंदी में कहते हैं बहुवचन, मतलब जो थिंग, ऑब्जेक्ट, वस्तुएं, जो भी हो, चीजें हो, वो एक से ज्यादा हो, जो हो एक से ज्यादा, इसे क्या कहते हैं हिंदी में? बहुवचन। क्या कहते हैं हिंदी में? बहुवचन। ओके, एक वचन, जो भी वस्तु, थिंग, ऑब्जेक्ट, चीजें हो, वो एक की मात्रा में हो, उसे कहते हैं एक वचन। और वही वस्तु, चीजें, कोई थिंग, ऑब्जेक्ट्स हो, वो एक से ज्यादा की मात्रा में हो, एक से ज्यादा की मात्रा में हो, उसे कहते हैं बहुवचन। क्या कहते हैं उसे? बहुवचन। ओके, सो यहाँ पे वस्तु दी गई है पहले, वो है बाजा। क्या है वो? बाजा, बाजा। सो बाजा का बहुवचन है बाजे, बाजे, जो एक से ज्यादा हो, उसे क्या कहते हैं? बाजे। बाजा यानी कि एक, एक ही है वो, तो उसे एक वचन कहते हैं। और उसे ही अनेक वचन में, सॉरी, उसे ही हम बहुवचन में क्या कहते हैं? बाजे। एक से ज्यादा हो, उसे कहते हैं बाजे, बाजे। ओके, नेक्स्ट है ताला। ताला यानी कि लॉक। नेक्स्ट है ताला। ताला यानी कि लॉक, लॉक, घर का ताला हो, उसे हम, उसे लॉक को हम हिंदी में ताला कहते हैं। वो एक ही हो, उसको एक ही हो, एक की ही मात्रा में हो, तो उसे ताला कहते हैं। और वो अनेक, बहु वचन है, मतलब अनेक है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, उसे कहते हैं ताले। क्या कहते हैं उसे? ताले, ताला, ताले। ताला एक वचन, ताले बहुवचन। ठीक है, ताला एक वचन, ताले बहुवचन। नेक्स्ट है, पिक्चर दिख रहा है हमें, चित्र दिख रहा है, गमला। गमला, गमला यानी कि एक ही है वहां पे, वह एक की मात्रा में है, और वहीं पर हम, वही एक की मात्रा की जगह हम अनेक मात्रा में रखें, बहुत सारे रखें, एक से ज्यादा रखें, तो क्या बोलेंगे हम, क्या उच्चारण करेंगे उसका? यस, एनीवन वांट्स टू से समथिंग? क्लियर नहीं। ओके, सबको ही मेरा आवाज ब्रेक होके आ रहा है, नो कट होके आ रहा मैम, नो टीचर, बाकी सबको मेरा आवाज क्लियर है? नो मैम, माय वॉइस इज क्लियर? यस, नो मैम, यस टीचर, टीचर। ओके, आई गेस यश, सिर्फ आपको ही प्रॉब्लम है, मतलब आप
को ही मेरा आवाज ब्रेक होके आ रहा है, बाकी सबको मेरा आवाज क्लियर है, माय वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन। यश आप देख लो आपके घर में नेटवर्क कहाँ पे अच्छा आ रहा है, जस्ट गो देयर एंड सिट। ओके यश, इज इट क्लियर विथ यू? ठीक है, अभी कैसा आ रहा है आपको मेरा आवाज? क्लियर आ रहा है, क्लियर आ रहा है। यस ओके, सो हम शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। शेयर स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस, सो हम चल रहे थे तीसरे की ओर। गमला वो एक ही है तो उसे हम उच्चारण करेंगे गमला, अनेक में हो तो करेंगे उच्चारण गमले गमले। गमला यानी कि एक, गमले यानी कि अनेक। गमला गमले, गमला गमले। यस क्लियर है। नेक्स्ट है पत्ता, झाड़ का एक पत्ता तो वो एक ही है, मतलब किसी ने गिरा होगा कहीं पे तो वो एक ही है तो उसका उच्चारण करेंगे पत्ता। वो जाने वो अनेक में हो, बहुवचन की मात्रा में हो, बहुत सारे हो, बहु यानी कि बहुत सारे हो, एक से ज्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे हम? पत्ते पत्ते। ओके पत्ता पत्ते। नेक्स्ट है पिक्चर हमें दिख रहा है, चित्र हमें दिख रहा है अंडा, अंडा अंडा है तो उसे हम एक से ज्यादा हो तो उच्चारण कैसे करेंगे? अंडे अंडा अंडे। अंडा यानी कि एकवचन, अंडे यानी कि बहुवचन। ठीक है नेक्स्ट है लड़का, लड़का लड़का वहां पे तो उसे कहेंगे extremely sorry. Just a second. Extremely sorry for this. Good evening, teacher. Okay. Yes. So, अंडा अंडा यानी कि एक ही है वहां पे तो उसका उच्चारण अंडा करके करेंगे, और एक से ज्यादा हो बहुवचन में हो, एक से ज्यादा, एक से दो तीन ऐसे ज्यादा की मात्रा में हो तो उसका उच्चारण अंडे ऐसा करेंगे। ठीक है अंडा अंडे। नेक्स्ट लड़का एक ही है तो लड़का उच्चारण अनेक, एक से ज्यादा है तो लड़के, क्या है? लड़के। ठीक है सो एक वचन और बहुवचन यहाँ तक क्लियर है आपको? सबको समझ में आया एक वचन और बहुवचन? यस टीचर। यस तो लड़का लड़के, एक वचन बहुवचन सबको क्लियर है, समझ में आया है? सब चैट बॉक्स में मैसेज डालो एक वचन बहुवचन। ओके तो मैं यही शेयर स्क्रीन कर रही हूँ, आप सब अपनी अपनी नोटबुक्स निकालो। यस सो मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ, सिर्फ वो सारे एक वचन और बहुवचन नोट कर लेना। ठीक है।
लिख लो नोटबुक में। अभी मैंने आंसर्स भी बताए हैं, इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी, कुछ डाउट लगे आपको तो पूछ लेना, ठीक है। बाजा बाजे, ताला ताले, गमला गमले, पत्ता पत्ते, अंडा अंडे, लड़का लड़के, ठीक है। एकवचन और बहुवचन, एकवचन और बहुवचन लिखना है। हाँ लिखना है अपनी नोटबुक में आंसर के सब, चित्र नहीं निकालना है, सिर्फ शब्द लिखने हैं, हेडिंग लिखना है ऊपर, एकवचन बहुवचन और बाजा बाजे, ताला ताले, गमला गमले, पत्ता पत्ते, अंडा अंडे, लड़का लड़के, ठीक है। टीचर उसे कैंसिल करने पर लेते, क्या हुआ? कैंसिल करने पर लेते सब फर्स्ट टू फोर्थ ऑल स्टैंडर्ड, ये ग्रामर है व्याकरण है, ये सेम ही होता है बेटा, और मैं बेसिक ले रही हूँ, इट इज क्लियर, ठीक है। स्टार्ट राइटिंग। लिखना शुरू करो, लिख के कंप्लीट होने के बाद चैट बॉक्स में डन और कंप्लीट करके मैसेज डालना है, ठीक है। क्विकली पांच मिनट दे दो, फटाफट लिख लेना। 17 नाउ, सो आफ्टर 5 मिनट्स 22 आई विल बी स्टॉप शेयरिंग। Complete. Just 1 minute. I'm going to give you one more minute. At 20, I'll stop the share. Okay. Complete. Okay.
टीचर कंप्लीट द कंप्लीट यस नाउ आई विल स्टॉप शेयर ओके सो एक वचन और बहुवचन ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है टीचर यस टीचर यस मैम ओके तो हम और एक वचन और बहुवचन के उदाहरण लेते हैं ठीक है अभी आप लोगों को बताना है मुझे ओरली कौन उसका मेरा नहीं हुआ तुम भी बोलो तो दावा मैं तो समझी ओके मैं आपको बाद में दे देती हूँ आपने जितने कितने एग्जांपल दोज हु आर नॉट कंप्लीटेड टेल मी हाउ मेनी यू राइट द एग्जांपल्स रोट द एग्जांपल्स आपने आप लोगों ने कितने एग्जांपल्स लिखे हैं At least the three examples you write it now, then let it be. We are going to do the orally. Ek vachan will continue karein. Yeah, no, please. Teen likhe examples? Yes. Okay then. Okay, okay. So we will continue with the ek vachan and anek vachan. Okay? My shirt is invisible. Yes. Yes. तो इन शब्दों के एक वचन और बहुवचन के सही जोड़ बनाएं। यहाँ पे कुछ एक वचन और कुछ अनेक वचन के शब्द दिए एक जैसे इकट्ठा तो उनकी जोड़ बनानी है उनकी क्या बनानी है जोड़ बनानी है तो मैं शब्द पूछूंगी आप उनका बहुवचन बताएंगे ठीक है मैं शब्द बोलूंगी उच्चारण करूंगी पढ़ूंगी उस शब्द का बहुवचन क्या होता है इधर कौन सा बहुवचन दिया है वो आप पढ़ेंगे ठीक है दिख रहा है स्क्रीन यस यस ओके तो पहला है कविता 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 का बहुवचन सॉरी 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 पहला है किताब 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 का बहुवचन मैम किताबें 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 यस बोलो किताबें किताबें यस नेक्स्ट है कविता कविता कविताएं कविताएं कविता का बहुवचन है कविताएं करेक्ट कविता साइकिल साइकिल बच्चे दवाइयां यस घोड़े मटका सो नेक्स्ट और भी है एक वचन यह चित्र की सहायता से हम करेंगे चित्र की सहायता से करेंगे ठीक है एक और एक वचन और बहुवचन एक वचन और बहुवचन एक वचन और बहुवचन गमला गमले गमला ले
लड़का लड़के लड़के पीछे पूर्ण रखो, ये तो ये ऑरेंज नेक्स्ट है तकिया तकिए तकिए तकिया तकिए बहुवचन तकिया तकिए तकिए पिक्चर नहीं समझ में आ रहा है नेक्स्ट पिक्चर नहीं समझ में आ रहा है बकरा बकरे 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 वो नहीं वो ऊपर का हो गया बछड़ा बछड़े ये बकरे बकरा बकरे बकरा बकरे यस एक वचन और बहुवचन क्लियर है आप सबको भी यस यस ओके ओके मैं 2 मिनट के लिए और एक पहली वाली शेयर स्क्रीन करूंगी वो जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया सो कंप्लीटेड दैट वर्ड्स एक वचन और बहुवचन ये वाले जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है प्लीज कंप्लीट द 6 एग्जांपल्स बाजा बाजे ताला ताले गमला गमले पत्ता पत्ते अंडा अंडे लड़का लड़के ओके कंप्लीट होने के बाद बोल देना है मुझे दोनों कंप्लीट करके yes, तो फिर हम आगे रीडिंग ले लेंगे वाचन ले लेंगे हिंदी में आयशा कंप्लीट ओके और कोई तो 2 जनों का रह गया ना नोट कर लो
मैम कंप्लीट। ओके और कोई? मैम कंप्लीट। यस ओके कंप्लीट। यस गुड ओके। तो मैं अभी एक बुक ओपन करूंगी, सो आप लोगों को वो रीड करना है, पढ़ना है, ठीक है? जस्ट अ सेकंड। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक पीपीटी बुक ओपन करती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। सेकेंड स्टैंडर्ड का हिंदी का बुक है मेरे पास, वो ओपन करती हूँ। कौन कौन पढ़ेगा, चैट बॉक्स में नाम लिखो अपना अपना, जस्ट एक एक पैरा पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है? यस शेयर स्क्रीन दिख रही है, किसका नाम है पहला? मैं नाम अभी शुरू करते हैं हम आदित्य से। आदित्य के साथ बाद में जो जो नाम है वो पढ़ेंगे एक एक पैरा। ओके क्विकली बुक दिख रहा है आदित्य? यस। स्टार्ट रीडिंग दिट कृषि और मुग मृग। सुनसान जंगल पर एक ऋषि की कुटिया थी। पास में ही आम का वृक्ष था। एक मूग वहां आकर घास चरता था। मुख पर ऋषि की बड़ी कृपा कृपा थी। एक दिन एक नूप धनुष पर बाण धाई तड़ा है। शिकार करने के लिए वहां आया। तभी ऋषि वहात्र एक ऋषि की कृपा लूता नप जानता था। इसलिए
वहां शिकार की एक भी नहीं है, वापस चला गया। यस गुड। नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट कौन है, किसका नाम है चार्ट बॉक्स में? आदित्य के बाद आरुष। टीचर यस टीचर नीट दिसत ना। ओके आगे देखते हैं, ये दिख रहा है? यस पढ़ो। कैलाश है दर है दर और मून माय को बे वे बैल गाड़ी में बैठ कर सैर करने गए। माय को शैतानी करने लगा। हैदर ने उसे चल से बैठने को कहा। मैदान में एक खेत दिखा वह पैदल जा रहा था। यह देख कर वे हैरान हुए। नदी में एक बालक तैर रहा था। लठेत के पास दो थैले थे। थैले मट मेले थे। ओके नेक्स्ट। आरुष के बाद किसका नाम है चार बॉक्स में? यश पढ़ो। नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आयशा का माइक शुरू करूं। आयशा नॉट आई एस एस। यस टीचर पढ़ना है। हाँ कुछ लिख। यस टीचर। गोलू एक खर
खरगोश था, उसने दावत की, दावत ने मैं रीड फास्ट एंड क्विकली. आए घर कोई खरगोश ने ढोल बजाया और मोर ने नाच दिखाया, सबने खूब शहर सारे 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 मचाया, कोयल ने तनिष्का. यस मैम. रीड दिस. कौशल जाएगा बिन बीज नूर, चौका पाठ पढ़ो पाठ यहाँ से. वह कौशल है यहाँ से. वह कौशल है, उसके पिताजी ने उसके लिए एक खिलौना बनाया. कौशल की माता जी ने लौकी का हलवा बनाया. कौशल को उसका नौकर बुलाने आया. आज कौशल बिजनौर जाएगा. बिजनौर के चौक पर उसके मौसा जी का घर है. मौसा जी ने लौकी का पौधा लाया है. यस ओके. सो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लीज, बाकी के बच्चे प्लीज घर पे ट्राई करो पढ़ना हिंदी. आज मैंने एक्स्ट्रा का क्लास लिया है. सो मतलब आपका नहीं, मुझे सिर्फ यही बताना था आपको कि बाकी बच्चों का रीडिंग बाकी है, वो घर पे कर लेना. ठीक है, घर पे रीडिंग पाठ पढ़ने की सराव करते रहना है. ठीक है, सो आज के लिए हम इधर ही रुकते हैं. Bye, teacher. Bye.
लीव करो क्लास प्लीज, क्लास इज ओवर नाउ।